अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंसारी जी। उम्मीद है यार सब भाई खराफियत से होंगे। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि यार अंडे मेरे पास पड़े हुए हैं लेकिन मादी कुड़ूक कोई नहीं हो रही, तो एक भाई से बात चाह रही, अगर तुमसे बात हो गई, कुड़ूक मादी मुझे मिल गई, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है ना अंडों पर बिठाऊँगा मुर्गी को। तो अभी मैं मुर्गी ले कर तो आ गया हूँ, कुड़ूक तो लग रही है, ठीक है ये चेक करो, लाग तो कड़ूक ही रही है। मुझे इस टाइप कोई देसी मादी भी मिलती तो मैंने ले लेनी थी, क्योंकि यार गर्मी का मौसम अंडे ख़राब हो जाने फ़ायदा क्या, देसी भी मिलती रात के कम से कम बच्चे तो निकलवाओ ना। तो बहरहाल अभी मैं ले हूँ मुर्गी, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर जो मैंने तसला वगैरह सब कुछ रख देता हूँ और बाकी मिट्टी वगैरह डाल के ना सारी रख के एक अंडा आर्टिफिशियल से मुराद या प्लास्टिक का या फिर ये जो दुकानों वाला जो अंडा होता है वो वाइट वाला, वो रख के ना इसके अंदर छोड़ दूंगा कल तक इसका कड़ू पक्का हो जाएगा। जिस टाइम देख लूँगा कि पक्का हो गया कड़ू, फिर इसके नीचे जो अंडे शिफ्ट करेंगे। आज फ़िलहाल अभी मगरिब हो गई है तकरीबन, थोड़ी थोड़ी सी जो है रोशनी है, मैं कहा चलो खैर आ ब्लॉग बना ही लें, बाकी आधा भी बना रूँ आधा कल बनाऊँगा। तो अभी मैंने जो है ना मिट्टी डाल ली थी, ये देखो मिट्टी डालने के बाद इसके अंदर थोड़ी भी मिक्स कर ली है। इसी वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि यार मुर्गी बिठानी किस तरह, बाकी ये चीज़ें तो पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताई थी। खैर इसके अंदर मैंने थोड़ी वगैरह डाल के मिक्स कर लिया, ठीक है, और इसको फैला दिए सारी तरफ, बाकी सारी चीज़ें साइडों पे काट देंगे। और ये एक किस्म का इसके लिए फिट हो गया, इसको उठा के अब इसके अंदर रखूँगा मैं एक अंडा। ओ पहले अंडा ले गया तू जी, तो अंडा ले आया हूँ मैं, अब एक अंडा जो है ना इसके अंदर रख दूंगा यार। वैसे ये अंडा दुकान वाला नहीं, अभी बाहर जाने का मूड नहीं था, इस टाइम जो अंडा मिला उठा के ले आऊँ। एक अंडा पुराना मेरा पड़ा है, ये डेट चेक कर सकते हो आप, पुराना था। मैं क्या खैर है यार चलो ये रख देते हैं, और रख देते हैं इसको नीचे, शाम का टाइम है रोशनी भी कम हो रही है, बल्कि ये अंदर ही नहीं जाने लगा। पहले तो अंडा उठा के रखो साइड पर, इसको पहले इसके अंदर जाए तो सही। चला गया। शाम का टाइम हो गया, रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो रही है, तो मेरे ख्याल से फ्लैश ऑन कर लेनी चाहिए, फ्लैश ऑन कर लेता हूँ। फ्लैश ऑन की अब रिज़ल्ट में तो थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा आपको। ये मैंने रख दिया इसके नीचे ईंट साइड पे रखे हैं कॉर्नर पे करके, यहाँ पे इसकी ईंट आ गई, ठीक है, अब ये कहीं भी नहीं जाता। ये मुर्गी है, ओए मुर्गी की आइज़ ब्लू आ रही है, चेक करो ज़रा। ये अंडा, इसको अंडा देते हैं क्या पता सुबह तक ये बैठ ही जाएगी। ये देखो ये अंडा देखा है, ये बस जा रही है उसकी तरफ, जा 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 जा, बैठ बैठ बैठ, उधर अंदर जा के बैठ, आगे होके बैठ जा, तोड़ना दही अंडा, बाकी खैर है, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बैठ गई जी बैठ गई है। चलो जी जुगाड़ दोबारा अपना चलाते हैं, पेंसिल पसाने वाला। तो अभी एक अंडा रख दिया इसलिए क्योंकि जो है ना फिलहाल रिफ्लेक्शन पड़ा होगा ऐनक पे, लेकिन गुजारा करना अच्छा, एक अंडा रख दिया इसका कड़ू पक्का करने के लिए। अब ये इंशाल्लाह बाकी जो अंडे सुबह रखेंगे, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको जो है ना बारिश का मौसम है, ठीक है, इसको कवर कर देते हैं। ये शीट भी मेरी जो है ना ये फट गई, जिस टाइम नई चीज़ बन जाए ना, ठीक है, तो पुरानी चीज़ों की कदर ख़त्म हो जाती है, ये बात वैसे सच है, पुरानी हरकतों से हम बाज नहीं आ रहे, ठीक है। और ये फटे हुए तोड़े जो है ना लगा के तो इसको कवर कर देती है, और मैं इसको कवर कर देती हूँ, उसके बाद जो है ना ये मेरे पास एक और तोड़ा इसी तरह का पड़ा था, मैं इसके ऊपर लगा दूँगा ताकि बारिश कम से कम अंदर ना जाए। पहले ये लगा रहे उसके बाद आपसे बात करें जी। तो मैंने इसको कवर कर दिया अब, ठीक है, अब ये स्कूल मारेगी चिल मारेगी, बाकी बात नीचे जा कर करते हैं रूम में, आ जाओ। हाँ जी, तो आ गए हम अपने रूम में, ठीक है, आप लोगों को मैंने दिखाया कि फ़िलहाल अभी एक अंडा रख के आऊँ ताकि उसका कड़ू पक्का हो जाए। बाकी एक और बात मैंने आपको बतानी थी, वो क्या, जो सुबह हम लोगों ने अंडे रखने हैं वो आपको बताया था मैंने किधर सेव करूँ अपने अंडे, फ्रिज में, ठीक है, तो फ्रिज से निकाल के आपको बताया था 12 या 24 घंटे पहले निकाल के रखने होते हैं। तो अब वो अंडे मैं निकाल के साइड पर रख देता हूँ और सुबह इंशाल्लाह जो है ना उसके नीचे हम रख देंगे। फ्रिज से मैं अंडे निकाल के ले आया हूँ,
इस तरह रखे होते हैं मैंने तो। लास्ट दफ़ा भी जो मैंने करवा रखे थे ना, बच्चे जिनमें से निकले थे वो भी अंडे फ्रिज वाले ही थे, तो ये ना सोचा करो फ्रिज में अंडे रखने से यार ख़राब हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। ये मैं भी उसी तरह रख रहा हूँ, अंडे चूज़ करके इनमें से मैं जो है अलहदा कर दूँगा उस मुर्गी के लिए, और उसको अलहदा रख दूँगा रूम टेम्परेचर पर, पड़े रहेंगे सुबह तक ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे इनको बाहर रख दिया करो, क्योंकि इसमें नमी होती है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, बाहर रखोगे तो इन पर जो है ना नमी सी आ जाएगी, वो किसी कपड़े से साफ़ कर देना। सुबह इंशाल्लाह मैं इसके नीचे रख दूंगा, बाकी सुबह आप व्लॉग कंप्लीट करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है, इनको दाना वगैरह में बहुत शोर कर रहे हैं यार आज ये मुर्गे। तो बाकी ये है कि अंडे वगैरह मैं ले आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, चेक करो अंडे मैं इस टाइम ले आया हूँ। बस अब मुर्गी को जो है ना वो दाना पानी दिखाते हैं, और उसके बाद फिर अंडे उसके नीचे शिफ्ट करते हैं और अंडे पर उसको बिठा देते हैं। आज आए उसको पहले जो है ना दाना पानी लगा देते हैं, मुर्गी चेक करवाता हूँ आपको, चेक करो बैठी हुई है सुकून से। अब इसका फ्लूक जो है ना सही पक्का हो गया होगा, देखते हैं फ्लूक बाहर आती है कि नहीं। बैठी हुई है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे बाहर आएगी, इसको जो है ना ख़ुद उठा के बाहर लाना पड़ेगा। और जिस तरह आपको याद है पिछली मुर्गी को हमने उठा के बाहर किया था, चेक कर दो इसको उठा के, क्या पता ये मारी तो नहीं, मारती तो नहीं है। फिलहाल दिया तो है दाना पानी, देखो खाती है, खा लिया तो इसके लिए बेहतर है, नहीं खाती तो फिर बस इसको भी सारे अंडे जो है ना इसके नीचे शिफ्ट कर देंगे, अंडे इसके नीचे रख देंगे सारे, सारे अंडे इसके नीचे रख देंगे, और उसके बाद जो है वो शाम के टाइम फिर इसको जो है ना खोल लिया करेंगे। बाकी न्यू मॉर्निंग है, हैव अ नाइस डे। अभी तो नहीं रही कुछ अभी तक, बाकी इनमें से चेक करते हैं, किसी ने एग तो नहीं दिया हुआ, किसी ने अगर एग दिया हो तो वो भी उठाना होता है ना साथ साथ, नहीं तो वो टूट जाता है। वहाँ पे तो कोई नहीं अभी तक, फिर भी कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, नहीं भी नहीं दिया, ये दिया भाई इसने एक, वो देखो अंदर अंदर, ये देखो ये समाधी का अंडा है, बहुत अच्छी क्वालिटी में है, ये इसके साथ मेल है, ये इसका अंडा। तो बाकी ये है कि अभी अंडों के बारे मुर्गी बिठा देते हैं, वो अंदर से जाकर खुद ही बैठ गई है, लो जी वो देखो खुद ही बैठ गई, अब पता क्या करते हैं वो खुद बैठ गया, आप अंडे उसके नीचे रख देते हैं, बाकी दाना वगैरह उसके जो है ना शाम को लगा दिया करेंगे। फिलहाल अंडा मैं अंदर रखूँ पहले टूट ना जाए, और तो मैं अंडे दिखाएँ आपको खाते हैं, ये माशाल्लाह से अंडे हमने इसके नीचे रखने हैं, आ जाओ खाया पिया उसने कुछ भी नहीं है, एक दफ़ा उसको दोबारा उठाते हैं अब, और अंडे उसके नीचे रखते हैं। आग फिलहाल बाहर बैठाया इसको, अंडे इसके नीचे शिफ्ट करने लगा हूँ मैं, यार एक काम करते हैं, ये बहुत दूर होके पड़ा हुआ, इसको थोड़ा सा ना इस साइड पे कर लेते हैं तसले को, हाँ इसको इस साइड पे करते हैं, एक तो ये दूर बहुत है, दूसरी उस साइड से जिस टाइम धूप पड़नी है ना तो सारा जो है ना गरमाइश हो जानी है, जो इसके लिए मसले वाली बात है। अब ठीक है, अब बस फटाफट इसके अंदर अंडे रखते हैं।
अंडे तो मैंने रख दिए, इसको उठा के देखते हैं क्या। अब आगे हो जाओ। ये बैठ किया बंदों पे, अब दाना पानी इसको जाना सुबह के टाइम लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपने जिसकी से उनको खोलते हैं, उनको दाना पानी लगाते हैं। सुबह के बेचारे भूखे हैं और उनको खोल देते हैं। आ जाओ बाहर, आ जाओ। इनको मैं दाना पानी लगाने लगूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गी हम लोगों ने एक बार बिठा दिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने भी नहीं नाश्ता किया। मैं इनको दाना लगा दूँ, मैं भी नाश्ता करूँगा जाके। अब इस व्लॉग को इधर कंप्लीट करते हैं, छोटा सा व्लॉग है, लाजमी लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।